मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने ली कलेक्ट्रेट में बैठक, शिवपुरी को स्वच्छ बनाने की रखी विशेष बैठक, दिए निर्देश। शिवपुरी में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया आज एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया। इसी दौरान मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी में जब भी मैं आती हूँ तब देखती हूँ कि सड़कों पर स्वच्छता नहीं रहती है। इसी क्रम में उन्होंने सफाई दरोगा नगर पालिका कलेक्टर से समन्वय करने की बात कही और सभी एकजुट होकर काम करें ऐसी बात कही। वहीं सफाई दरोगा की दो दिन समस्याएं सुनी और उनको दूर करने की भी बात कही। ऐसे में उन्होंने कहा कि थीम रोड को सुंदर की बात ना करते हुए पूरे शिवपुरी शहर को स्वच्छ बनाने की मांग की जाए तो बेहतर रहेगा। साथ ही महाराणा प्रताप कॉलोनी में पेवर्स और सड़क के बारे में भी जानकारी ली और बाकड़े बाबा मंदिर वाली रोड का टेंडर जल्द हो और उसे पूरा किया जाए ऐसी बात भी की गई। सुनिए क्या कुछ कहा मंत्री यशोधरा राजे ने। एक तो थीम रोड का निरीक्षण किया और एक कलेक्ट्रेट में बैठक भी है जिसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसमें थीम रोड पर क्या नया प्लान कर रहे हैं आप और स्टैचू की भी बात आए, स्टैचू की भी बात कई चीजें आई हैं, जैसे अपना बांकड़े वाले रोड की क्या समस्या है, कब शुरू हो जाएगा, टेंडर कब लगा, कब टेंडर खुलेगा, आपके महाराणा प्रताप वाला रोड उसमें क्या चल रहा है, कब खत्म होगा, पेवर्स कब लगेंगे, ये सारी चीजें और भी तो बातें हुई, सिर्फ थीम रोड की बात नहीं हुई। थीम रोड में क्योंकि अपने जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं वो बाहर के हैं तो उनकी क्या समस्याएं हैं, बिजली वाली कोई बात है क्या, NHAI के साथ कोई बात है क्या, तो ये सारा समन्वय करना पड़ा और पार्षदों के साथ और अपने दरोगा सफाई दरोगा के साथ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि शिवपुरी में जब भी मैं आती हूँ तो रोड हमारे साफ नहीं है। साफ सफाई हमें चाहिए, बहुत अच्छी साफ सफाई होती थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो इस गड़बड़ को हम कैसे ठीक करें ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। तो जब कलेक्टर भी बैठे हैं, नगर पालिका भी बैठी है, पार्षद भी बैठे हैं, दरोगा भी आए हैं, तो समन्वय के साथ हम डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे करना है। तो दरोगा लोगों ने हमें बताया 3-4 उनकी समस्याएं, पहले वो समस्याओं को मैं ठीक करूंगी, फिर उनका मनोबल ठीक रहेगा कि अब हम अपना काम कर सकते हैं, फिर पार्षद लोग अगर कुछ कहें फिर भी उसके बाद, तो फिर समन्वय की मीटिंग में कलेक्टर साहब के साथ मैंने कहा है कि हर मंगलवार को 15 मिनट के लिए सारे दरोगा और सारे पार्षद सब इकट्ठा होके आएंगे, कोई तूतू मैमे की बात नहीं होगी, अगर कोई समस्या है कहीं भी वो एड्रेस हो जाएगी। हमें भी देखना है कि शिवपुरी वो पहले 10 के पायदान में तो आ जाए, राइट। हम अगर आज सौंदर्यकरण कर रहे हैं थीम रोड पे तो सिर्फ थीम रोड की बात क्यों करें, शिवपुरी शहर की बात करें, राइट। प्रधानमंत्री जी परेशानी राइट, तो अब क्या करें, अब आपके अलग अलग विभाग अपना अपना समय लगाते हैं। मैं हमेशा वही कहती हूँ कि तुम्हारे पास अगर प्रधानमंत्री आवास तुमको मिलने वाला था तो तुम झट एक दिन में कर लेते जो तुम्हारा काम है, उनको एस्टिमेट देना था एक महीने में, अब वो एक दिन में वो एक महीने लगा दिया, अब वो एस्टिमेट आया है बिजली का, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम वो प्रधानमंत्री आवास सबको दे पाएंगे।